बेटे के सूटकेस में मिली है एक युवती की लाश और दूसरी जगह हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के दशमेश वाटिका की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक विवाहिता की लाश एक सूटकेस से बरामद की गई है। मौके पर अब पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल में लगी है। पुलिस की तरफ से कहना यह है कि इस महिला की हत्या की गई और शव को सूटकेस में बंद कर किसी और जगह फेंका गया, यानी कि हत्या कहीं और की गई है और सूटकेस को दशमेश वाटिका में फेंका गया है ताकि आसानी से आरोपी तक पुलिस ना पहुंच पाए। सूटकेस में एक युवती की लाश मिली है और इसी खबर पर आगे की जानकारी देने के लिए जितेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कोई जानकारी मिल पाई है कि ये युवती कौन है और लाश को लेकर जो सूटकेस यहाँ पर किसी ने देखा होगा उसे रखते हुए, इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है? सरोवर स्थल बनना था, जिसके बाद यहाँ पर जो जगह चिन्हित की गई थी वो जगह का बदलाव किया गया था। अभी ग्राउंड पूरा खाली पड़ा हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जीटी रोड है, यहाँ से होकर वाहन गुजरा होगा और आशंका ये जताई जा रही है उसी में से किसी वाहन से उस युवती के जो शव को फेंका गया होगा जो की सूटकेस के अंदर था। हाई प्रोफाइल सूटकेस लग रहा है, उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि हाई प्रोफाइल सूटकेस होगा, काफी महंगा सूटकेस है। युवती की उम्र जो की है 22-23 साल की बताई जा रही है और लड़की काफी फेयर कलर की थी, तो आशंका ये जताई जा रही है कि लड़की को दिल्ली या फिर अन्य इलाकों के से लाकर यहाँ कहीं फेंका गया होगा। ऐसे में चश्मदीद भी हमारे साथ है जिन्होंने देखा था इस बॉडी को फेंकते हुए, इनसे बात कर लेते हैं। इधर आइए, क्या नाम आपका? मोहम्मद शरीफ मलिक। अच्छा, क्या क्या देखा था आपने? जब सुबह मुझे मेरी लेबर ने फोन करा, ये लेबर मेरी बसी हुई है जो चुकी है, कूड़ा चुनते हैं, जुटके लाते हैं और माल बिनते हैं, तो बंगाली आसाम के लोग हैं, उन्होंने मुझे फोन करा, कह रहे यहाँ पर आ जाओ, गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ है? चला कुछ लफड़ा हुआ, जल्दी आओ, एक लाश लग रही है, लाश लग रही है। मैं आया तो मैंने देखा एक चादर पड़ी है और एक उस पर सूट कर खड़ा है। तो उम्र रही होगी लड़की की? लड़की की उम्र रही होगी 22-24 के बीच में लगभग, मेरी नजरों में। मेरी 45 साल उम्र है, सनातन तजुर्बा है। क्या कोई चोटें भी थी लड़की? नहीं, चोट नहीं थी, नाक से खून आकर के जिसके ओर से उसको डाला हुआ था, तो उसके ओर से पर ये यहाँ से यहाँ खून लगा था, लेकिन चोट को निशान नहीं था। उसके अंदर बांधा हुआ था पूरी तरह से, ऐसे करके पैर हाथ बांध रखे थे, उसके पैर भी हिल मिला के बांध रखे थे दुपट्टे से, रेशमी दुपट्टा था जिससे बांधा हुआ था, एक दुपट्टा सूती था और पीले से कलर के कपड़े पहने थे लड़की ने। खूबसूरत लड़की थी, गोरी, बहुत गोरी लड़की। गाजियाबाद में ही रहते हैं? नहीं रहता हूँ। क्या लगता है क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है? क्राइम तो बढ़ ही रहा है क्योंकि सही तौर पर 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से यहाँ बॉडी फेंकी गई है, जाहिर तौर पर बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं रहा है, खुलेआम इस तरीके से। बिल्कुल, और ऐसे में जितेंद्र, जिस रोड का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये रोड जो है चलता रोड है, चाहे लॉकडाउन भी रहता है तो इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर चलती रहती हैं। और ऐसे में जिस चश्मदीद से आप बातचीत कर रहे थे उसने भी बहुत सारी जानकारियां जो है इंडिया वॉइस को दी है। जरा ये बताइए कि अब इस पूरे मामले में पुलिस की आगे तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? देखिए, पुलिस ने बॉडी का पंचनामा भर के बॉडी को पास ही पोस्टमार्टम गृह वहां पर भेजा है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी की सूचना जब दी थी यहाँ पर झुग्गी वालों ने, तो तुरंत पुलिस आ गई थी और उसके बाद बॉडी का पंचनामा भर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से यहाँ बॉडी डंप की गई है, ये अगर पुलिस पेट्रोलिंग करे तो जाहिर तौर पर उन्हें पकड़ा जा सकता था। लेकिन बावजूद इसके जीटी रोड है, चलती हुई रोड है, काफी यहाँ पर वाहन चलते रहते हैं, आवागमन ज्यादा रहता है। जीटी रोड यानी ग्रैंड टैंक रोड जो मेन रोड है दिल्ली से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ती है, तो कहीं ना कहीं इस रोड पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बॉडी डंप की गई है और फिलहाल अब बॉडी का पंचनामा भर से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के अधिकारी अभी भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सूटकेस में एक लाश मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस, अब जांच पड़ताल में लगी हुई है। उधर बागपत से बड़ी खबर मिल रही